जहां पर F-15 ग्राउंड अटैक जेट इसका इस्तेमाल किया जाता है। F-15 का इस्तेमाल इजरायली फोर्स IDF टारगेट करने के लिए करती है। ईरान के उन तमाम अहम ठिकानों पर F-16 एयर डिफेंस फाइटर जो लगातार एक के बाद एक सटीक हमले, क्योंकि IDF ने कहा कि जो हमले हैं वो बहुत प्रिसाइज हैं, बहुत प्रिसाइजली हमने छाट कर और हमलों को अंजाम दिया। इसके अलावा रैम्पेज मिसाइलें 2000 किलोमीटर दूर से दागी गई। रैम्पेज मिसाइलों का इस्तेमाल इसराइल की तरफ से किया गया उन तमाम ठिकानों को निस्ते नाबूद करने के लिए। रॉक्स मिसाइलें, याद है आपको कुछ ही दिन पहले खुलासा हुआ था कि इसराइल ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें भी इन रॉक्स मिसाइलों का जिक्र था। उसमें कोई स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली जो है वो यहां पर नहीं की गई, यानी एक के बाद एक बड़े हमले। और इसमें कैसे इसराइल के इन हमलों में ईरान को नुकसान हुआ है, बड़ी अपडेट आपको युद्ध क्षेत्र से बताऊं। जहां पर नुकसान हुआ है तो वहीं हमले में दो ईरानी सैन्य अफसर जिन्हें ढेर कर दिया गया, दो ईरानी अफसरों के मारे जाने की खबर है, इसकी भी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। हमले देर रात जिस तरीके से इसराइल की तरफ से किए गए, हमले में दो ईरानी सैन्य अफसर मारे गए, इनकी पुष्टि हुई है। इसराइल ने ईरानी एयर डिफेंस पर दरअसल हमला किया था जिसमें ईरान के जो दो ये सैन्य अधिकारी, इनके मारे जाने की भी खबर सामने आई। तो दो सैन्य अधिकारी इसका निशाना बने हैं, क्योंकि जो हमले हुए वो मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाकर यहां पर किया गया है। लेकिन ये हमले इसराइल ने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किए, प्रिसाइजली किए, जहां पर अटैक करना था वहीं पर मिसाइलें मारी। क्या कुछ कहा IDF ने, डेनियल हगारी ने क्या कुछ जानकारी दी हमलों को लेकर, जरा सुनिए। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. और 20 ठिकाने कहां कहां पर हमले हुए, जरा इस मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ईरान में एक आखिर कैसे एक के बाद एक जो फाइटर जेट्स हैं वो गरज रहे थे। मशहद में हमले हुए, इसके अलावा शिराज के अंदर हमले हुए हैं, तेहरान पर सबसे ज्यादा बड़ा अटैक किया गया है, कौम में हमले हुए हैं, वहीं साथ ही साथ जो इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है उसके पास अटैक किया गया है, और करज, तेहरान और करज, ये दोनों सबसे ज्यादा टारगेट पर IDF के रहे, जहां पर एक के बाद एक बम बरसाए गए मिलिट्री बेसिस को, इंपॉर्टेंट जगह जो ताकत है इसराइल की उन पर बड़े अटैक यहां पर किए गए हैं। और अलर्ट है लगातार इस वक्त भी ईरान में, बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताऊं, क्योंकि ईरान पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर चला गया है। ईरान पर अटैक के बाद अलर्ट जारी किया गया है, सीरिया हो या फिर इराक या ईरान, एयर स्पेस बंद कर दिए गए, तीनों देशों में सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अगले आदेश तक एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद रहेंगे, किसी भी तरीके का मूवमेंट एयर स्पेस में नहीं होगा। अलर्ट जारी किया गया है, पूरी तरह एयर स्पेस यहां पर बंद कर दिए गए हैं, ईरान हो, सीरिया हो या फिर इराक, क्योंकि देर रात लगातार 3 घंटे से भी ज्यादा ये एयर स्ट्राइक लगातार ईरान में हुई। 20 अलग अलग ठिकानों को निशाना यहां पर बनाया गया, जिसके बाद से ईरान में दहशत देखने को मिल रही है, जहां पूरी तरह से ईरान अब घबराया हुआ है। बड़ी बात यह है कि पूरा एयर स्पेस जो है वो यहां पर अभी क्लियर कराया गया है, किसी भी तरीके का मूवमेंट यहां पर ना हो, इसके लिए कवायद यहां पर की गई। और तस्वीर आप देखिए, आपको पूरा मूवमेंट दिख रहा है यहां पर, और इराक, ईरान, सीरिया, यहां पर किसी भी तरीके का मूवमेंट
आपको नहीं दिख रहा है, एयर स्पेस पूरी तरीके से क्लियर है, कोई भी यहां से मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी तरीके का जो वाहन जो विमान है वो यहां से नहीं गुजर सकते हैं। यह तस्वीर सामने आ चुकी है। मेरे साथ यहां पर यूके देवनाथ सर इस वक्त जुड़ रहे हैं। देवनाथ सर बहुत स्वागत, और सबसे पहले आपका बड़ा रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं, भले ही एयर स्पेस अब बंद कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन बड़ी बात क्योंकि जो 25 दिन का वक्त लगा और अब ये जो हमला, क्या नेक्स्ट अब ईरान की तरफ से होगा या फिर नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर सटीक हमले होंगे, प्रिसाइजली हमले होंगे, छोटे हमले होंगे तो रिवॉल्ट नहीं करेगा ईरान। ईरान के उपराष्ट्रपति ने यह बयान दिया है कि ईरान बदला लेगा, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, बयान जो असली आना है वो तो राष्ट्रपति पेजेश्केन से आएगा। तो राष्ट्रपति पेजेश्केन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, आयतुल्लाह खमानी ने कुछ नहीं कहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। ईरान क्या हमला करेगा? ईरान इस वक्त थोड़ा पशोपेश में है, मैं बताता हूँ क्यों। ईरान पशोपेश में है क्योंकि उसने अप्रैल में मारे थे 300 रॉकेट जी, महज 3-4 पहुंचे। उसने 1 अक्टूबर को मारे थे 200 रॉकेट, उसमें से महज कोई 6 या 8 पहुंचे थे। आज की तारीख में ईरान ये सोच रहा है कि बचे कुचे उसके पास करीबन 1000 रॉकेट बचे हैं, अगर वो उनमें से 200 को या 300 को फायर कर देता है तो उसमें से 2-4-8 पहुंचेंगे। लेकिन क्या इसराइल एक लाइन में सर पहुंचेगी? ईरान कंफ्यूज है इस वक्त, ईरान के पास मिलिट्री ताकत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर पेजेश्केन, जो कि बहुत ही मैच्योर हैं, मॉडरेट हैं, नरम लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, यूरोप अमेरिका घूम चुके हैं, अगर उनकी बस की चलती है तो उन्होंने इस वक्त रिएक्ट नहीं करना। यूके देवनाथ सर कह रहे हैं ईरान कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वक्त यहां पर लेगा। देवनाथ सर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको 6 तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहले यहां पर 6 तस्वीरें जरा दिखाइए, तेहरान पर अटैक की 6 तस्वीरें, करज पर हमला होता है, कैसे आसमान गूंज रहा है, 100 फाइटर जेट्स ईरान के आसमान में थे, F-35 जहां लगातार बम बरसा रहा था। बड़ी बात यह है कि ईरान के जो सैन्य अड्डे हैं उन्हें टारगेट किया गया है। 1 अक्टूबर का यह बदला, 1 अक्टूबर को जो अटैक किया गया था ईरान की तरफ से, और इसराइल ने कहा था हम हमला करेंगे, कितना खतरनाक करेंगे, कहां कहां पर जो है हमला होगा ये कोई समझ नहीं पाएगा, और ऐसा ही हमला यहां पर किया गया है। लेकिन इस हमले की तारीखें 1 अक्टूबर आप देख रहे हैं, जहां पर 1 अक्टूबर ईरान हमला करता है, बड़ा अटैक होता है, कहा जाता है कि नसरल्ला की मौत हुई है, नसरल्ला को इसराइल ने मार दिया और इसीलिए यह अटैक कर रहा है ईरान, और रिटेलिएट ना करे इसराइल, इसराइल को धमकाया गया रिटेलिएट मत करना वरना जवाब मिलेगा। और 26 अक्टूबर को नेतन्याहू ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 25 दिन लगे यहां पर, और उसके बाद बड़ा हमला इसराइल यहां पर करता और पूरी तरह से दहला देता, और कितना खतरनाक यह हमला, और कितना खतरनाक अब मिडल ईस्ट में ये युद्ध हो चुका है। देखिए